नमस्कार दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है ममिता साहनी कुकिंग चैनल में। तो आज फिर से हम नए रेसिपी के साथ आए हुए हैं, वो भी हेल्दी रेसिपी है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक पूरा बने रहिएगा, वीडियो कहीं भी बीच में छोड़ के मत जाइएगा। जैसे मेरे आप लोग के रेसिपी अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोग के कैसी लगती है। तेल बता देते हैं हम क्या आज बनाने वाले हैं। तो आटा के बहुत बेहतरीन हेल्दी हलवा बनाने वाले हैं, वो भी बहुत अच्छा मक्खन जैसा। तो ले लिए हैं एक कटोरी आटा है, ये है घी है देसी घी, और ये चीनी है, दो इलायची है, और कुछ काजू है, काजू का टुकड़ा। तो आइए इसको हम बनाते हैं, चलते हैं गैस की ओर। तो गैस पर चढ़ा लिए हैं कढ़ाही। अब इसमें जो आटा है इसको हम डाल लेते हैं, डालकर अच्छे से इसको भूनते हैं। अब इसको लोटी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेते हैं। बगैर घी के भूनेंगे तो भून जाएगा आटा, तो इसमें से खुशबू बहुत बढ़िया से सोना सोना से आएगा। तो मानिए तो आटा आपको जो है भून गया है, भून के तैयार हो गया है। तो बस गैस को लो रखना है, हाई नहीं रखना है। नहीं तो हाई रखते हैं तो क्या होता है कि आटा जो है जल जाता है और हलवा जो है बढ़िया नहीं बनता है। तो अच्छे से लगातार चलाते हुए इसको पूरा 3 से 4 मिनट बढ़िया से भूनते हैं। ले लीजिए, 4 मिनट इसको भूनते हुए हो गए। ये देखिए इसको कलर थोड़ा थोड़ा चेंज दिख रहा है, पूरा पास से दिखा देते हैं। ये देखिए पूरा चेंज हो गया है कलर। अब इसी में हम घी को डाल लेते हैं, थोड़ा सा पहले घी डालकर भूनते हैं। कुछ ऐसा हो गया है, ये देखिए पूरा। अब थोड़ा सा और जो घी है बच गया है वो डाल लेते हैं इसमें, डालकर अच्छे से भूनते हैं। यकीन मानिएगा दोस्तों, बहुत हेल्दी है ये हलवा, बहुत टेस्टी भी है। बच्चों लोग को तो बना कर देंगे आप, तो आपसे मांग मांग कर ये हलवा जो है खाएंगे। ये देखिए पूरा इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते रहना है, इसको कलर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा पूरा। अब बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसको और हम 2 मिनट ऐसा ही घी में भून लेते हैं कि जो कच्चापन रहेगा थोड़ा बहुत तो निकल जाएगा। ये हलवा वाला रेसिपी दोस्तों आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब आप लोग करके रखिएगा। एक लाइक से बहुत हम लोग की खुशी मिलती है। तो अच्छे से लगातार चलाते हुए इसको 1 मिनट हो गया, और 1 मिनट भून लेते हैं। ये देखिए कितना सुनहरा दिख रहा है, कितना बढ़िया एकदम रेसो रेसो जो है आटा को वो पूरा भून रहा है। 2 मिनट और पूरा भून लिए इसको। ये देखिए कितना सुनहरा दिख रहा है, पास से दिखा देते हैं आपको हम, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब इसी पर हम डाल लेते हैं जो चीनी है वो। तो यहाँ पर जितना आटा लिए थे 1 कटोरी, तो उसे आधा कटोरी हम चीनी लिए हैं इसमें, डालकर अच्छे से थोड़ा 1 मिनट के लिए चीनी में भी भून लेते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत बढ़िया जो हलवा है टेस्टी लगता है। अब इसमें हम डाल लेते हैं जो इलायची दिखाए थे वो इसके कूट के लिए हैं। तो अच्छे से लगातार चलाते हुए भूनते हैं। तो लीजिए चीनी डालकर भून लिए। अब इसमें हम क्या चीज़ डालते हैं वो भी बता देते हैं आपको हम। जिस
कटोरी से लिए थे आटा, उसी कटोरी से एक कटोरी हम दूध ले रहे हैं। तो दूध को डाल लेते हैं यहीं पर। दूध से क्या होता है कि भलुआ जो है बहुत बढ़िया बेहतरीन लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। ये दूध रूम टेम्परेचर पर था, थोड़ा सा गर्म करके लिए। बढ़िया से इसको चलाते हुए मिला लेते हैं। बस फ्लेम को लो रखना है, हाई नहीं रखना है। अच्छे से इसको चलाते हुए बढ़िया से मिलाते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। एक बार आप बच्चों को बना कर देंगे तो वो तो बोलेंगे कि रोज यही बनाओ। अच्छे से इसको चलाते हुए बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो ले लीजिए, अच्छे से बढ़िया से इसको मिक्स कर लिए हैं। आपको हम पास से दिखा देते हैं कि कितना बढ़िया ये हलवा जो है आटा के बन कर तैयार हुआ है। थोड़ा सा लेके दिखाते हैं आपको हाथ से। ये देखिए उठाते हैं हाथ पर तो पूरा जो है मक्खन जैसा पूरा एकदम चिकना सा है। थोड़ा भी हाथ में चिपक नहीं रहा है, पूरा मक्खन जैसा लग रहा है। ये देखिए तो एकदम से ना बढ़िया तैयार हुआ है हलवा। तो गैस को यहीं पर बंद कर लेते हैं, इसको नीचे ले लेते हैं। थोड़ा सा ये जो काजू था एक मुझे ध्यान से उतर गया, इसको इसमें डाल लेते हैं। डालकर थोड़ा मिला लेते हैं। तो ये लीजिए मिला लिए बढ़िया से। अब इसको हम नीचे उतार लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा पूरा आटा के हलवा बनकर है तैयार। ज़्यादा घी नहीं इसमें लगा है। ये देखिए दिख रहे होंगे कितना अच्छा बढ़िया कितना दिख रहा है। बहुत हेल्दी है, ज़रूर एक बार आप लोग बना कर खाइएगा। अब बच्चों लोग के भी खिलाइएगा ये हलवा। तो ये लीजिए पूरा हलवा है तैयार। थोड़ा सा इस पर हम घी डाल लेते हैं एक चम्मच के करीब। तो ये लीजिए दोस्तों पूरा तैयार है गेहूं के आटा के हलवा। ये देखिए दिख रहे होंगे इतना अच्छा दिख रहा है, पास से दिखा देते हैं। ये देखिए बहुत हेल्दी है, इसमें ज़्यादा घी तेल इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऐसा बनाएंगे तो एकदम से ना खा कर आप हेल्दी रहेंगे, बढ़िया रहेंगे, बच्चों लोग भी हेल्दी रहेंगे आपको। तो और आपको हम पास से दिखा देते हैं कि कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है ये आटा के हलवा। तो ये देखिए पास से दिखा रहे हैं, दिख रहे होंगे कितना अच्छा दिख रहा है। अगर दोस्तों ये आटे के हलवा वाला रेसिपी आप लोग के अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करिएगा। अपना प्यारा प्यारा हाथों से हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आटे के हलवा वाला रेसिपी आप लोग के अच्छी लगती है कि नहीं लगती है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।